तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो युगांडा मेंस कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 47वां मैच जो कि खेला जाएगा सुपीरियर क्लब वर्सेज कोलेथियंस के बीच में। अब इन दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई वीडियो को है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें फिर आपका ही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप भाई वीडियो को एंड तक देखते हो ना तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस मैच में आप लॉस तो भूल जाओ भाई, उल्टा बहुत बेहतरीन प्रॉफिट लेके निकलोगे। ठीक है, दो से तीन काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और यार है ना आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक्स वगैरह नहीं मिल रहे यार, कम से कम 200-300 लाइक तो कर दिया करो एक वीडियो पे यार, क्योंकि आपका है ना एक एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक किया करो, लाइक करने में भाई एक सेकंड का भी समय नहीं जाता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहां पर देखिए जो 60 लाख रुपए की आपके लिए जीएल लगी हुई है ना, इस ग्रैंड लीग की 6 टीम्स, ठीक है, इस ग्रैंड लीग की 6 टीम्स ध्यान से सुन लेना, मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर लाइनअप्स। तो लाइनअप्स जैसे आउट हो तुरंत उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और लाइनअप्स आउट होने के बाद मैच स्टार्ट होने से पहले भी आप वीडियो देख रहे हो तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनल टीम मेरी जो भी रहेगी ना वो टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन वाले और यहाँ से जो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक है ना वहीं से आपको ज्वाइन करना है, इसके अलावा कहीं से भी ज्वाइन नहीं करना है। कभी आप सोचो सर्च करके ज्वाइन करेंगे भाई फेक चैनल मिलेंगे आपको, जो हमारा ओरिजिनल चैनल है जहाँ पर भाई कल भी हमने जैकपॉट विनिंग करवाई है, मतलब अल्ट्रा क्लीन स्वीप आपको करवा के दी है, तो वो भी भाई आपको हमारे जो इसी चैनल पर टीम दी थी मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो। आज भी मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए यहाँ पर 12.3 के मतलब 12.3 के यहाँ पर सब्सक्राइबर है, जल्दी से आ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट फिर भी मैं आपको बस ये समझाना चाहता था कि सर्च करके ज्वाइन मत करना, क्योंकि है ना काफ़ी सारे फेक चैनल आपके भाई के नाम पर स्कैम करने में लगे हुए हैं, और भाई मैंने रिपोर्ट तो कर रखा है, बाकी देखिए होता कुछ नहीं है इन चीज़ों से, मैंने बहुत बार पहले भी किया है। ठीक है, तो बस यही बात है, आप खुद सतर्क रहिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो सुपीरियर क्लब की बात कर लेते हैं, तो आई निगर बानो टीम का मेन प्लेयर बहुत ही शानदार खेल दिखा रहा है, लगातार हर मैच में बंदे के आप देखिए सुपर 10 मिलेंगे। ठीक है, पहले मैच में यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज रहा परफॉर्मेंस, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें अगेन सुपर 10, इससे थोड़ा सा नीचे चलोगे दो मैच खराब, उससे पहले बात करें यहाँ पर तो भाई सुपर 10 या सुपर 30 लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भाई बढ़िया प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, आपकी टीम में आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक एल की बात करें जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में इजिली आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, तो और अगर खेलता है ना, वैसे खेलने के चांसेस काफ़ी कम, बट खेलता है तो ग्रैंड लीग में मस्ट पिक रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर रिटजी मैटसिको की, तो इन्हें भी जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे। के गीचो की बात करें तो इन्हें भी भाई आप ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये सीन है भाई। बाकी अगर बात करें देखिए एस गोम भाई अगर खेलता है ना, स्टार्टिंग 7 में रहता है तो ही ट्राई कीजिएगा इसको, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूट के तौर पर ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो वो सीन मेरे को गलत लगता है। प्लेयर यार बहुत बड़ा प्लेयर है यार ये, इसको मतलब इसका मौका तो दो बंदे को कम से कम, पता नहीं यार क्या चाहते हैं इनकी टीम वाले इनसे, अदरवाइज बहुत सुपीरियर क्लब को एक तरफा आगे लेके जाता अगर स्टार्टिंग से सारे मैच खिलाते तो। अब देखिए यहाँ पर 3 मैच यहाँ पर स्किप करवा दिए, बीच में मैच स्किप करवा दिया, स्टार्टिंग में यहाँ पर 1-2 मैच में भाई परफॉर्मेंस नहीं आई, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, बहुत शानदार प्लेयर है। और वही अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर भाई इनकी तरफ से कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, एफ की टाकुले भी मतलब बिल्कुल इनकन्सिस्टेंस रहा है, कंसिस्टेंसी से चला है, और यहाँ पर किसी भी प्लेयर को आप देख लो कोई भी मतलब इंपैक्टफुल नोक यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर यहां पर बात करें इनके जो रेडर्स हैं, यहां पर आपको दोनों रेडर काफी कमाल के देखने को मिलेंगे, ये इनका मतलब रेडर तो इनका नाम नाम आप बोल सकते हो। ठीक है, बाकी रेडिंग डिफेंस दोनों बंदा करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लगातार भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस और आर सचक माटे आपके लिए मस्ट पिक, इवन सीवीसी के दावेदार रहेंगे। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर
अगेन रेडिंग में आपको डिफेंडर मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एस मुटेबी है, एच मुटेबी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और दोनों ही मैचेज में भाई काफ़ी शानदार विनिंग करवाई है इसने मतलब हमारी, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने वाली टीम यानी कि कोलेथियंस की, कोलेथियंस की पूरी टीम भाई एक बंदे के इर्द गिर्द घूमेगी, पी मुसुंगू। रेडिंग भी करेगा, डिफेंस भी करेगा, दोनों तरीके से पॉइंट्स देगा, और भाई पॉइंट्स जब ये देता है तो बहुत शानदार पॉइंट्स देता है। ठीक है, तो 101% आपको इसे अपनी टीम में रखना ही रखना है, इवन कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। अब उसके साथ किसको लेके चलोगे, यहाँ पर असाप अकामपुरिया को आप अपनी टीम में रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जीएल मिनी जीएल के लिए मैं बोलूँगा। आई नगोबी अगर बात करें, अगर खेलता है ठीक है तो ही ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं खेल रहा फिर तो कोई बात ही नहीं है। डी वेंडेरा यहाँ से मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगा। ठीक है, ये आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, क्योंकि रेडिंग भी करेगा, डिफेंस भी करेगा, बहुत ही शानदार यार, हर मैच में बंदा अकेले दम पे परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो डी वेंडेरा। और आई मुल्लिका की बात करें तो आई मुल्लिका भी लास्ट मैच में शानदार खेल कर आया, तो भाई अभी थोड़े से मतलब टच में भी लग रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से इन दोनों को ट्राई करो, बाकी हाँ आई नगू भी खेलता तो आप इसे भी ट्राई करो। ए कंपुरिया को 101% ड्रॉप करेंगे, पी मुसुंगू मस्ट पिक हो जाएगा, 100% ट्राई करेंगे। टीन आयोबी की बात करें तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाते हैं रेडिंग में, तो यहाँ पर कोई इनकी तरफ से बड़ा प्लेयर है नहीं, क्योंकि इनका भाई पूरा गेम डिपेंड रहेगा पी मुसुंगू के ऊपर। ठीक है, पी मुसुंगू खेलता कैसा खेलता और उनका साथ भाई डी वेंडेरा और आई मुल्लिका कैसे देते हैं, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब चले भाई बात कर लेते हैं टीम की, तो टीम में अभी आपको बना के दिखा देता हूं, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो भाई आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। मैं बार बार बता रहा हूं भाई टेलीग्राम आपको ज्वाइन कैसे करना है, भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है, अभी की अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर अगर बात करें टीम की, तो यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन बाद में, पहले यहाँ से चलते हैं डिफेंस में। यहाँ पर आई निगरबानो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डी में वेंडेरा, आई मुल्ले का, तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई यहाँ पर एस गोम अगर खेलता है तो भाई मैं जरूर से इसे अपनी टीम में रखना चाहूँगा। यहाँ पर पी मुसुंगो को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा यहाँ से भाई दोनों रेडर एच मुटेबी और आर शशिक माठे को अपनी टीम में रखेंगे। कैप्टनसी की बात करें, नो डाउट यहाँ से पी मुसुंगो हमारा कैप्टन रहेगा। वीसी की अगर बात करें तो आप आर शशिक माठे या फिर एच मुटेबी के साथ जा सकते हो, बट मैं यहाँ से डी वेंडेरा साथ अभी के लिए जाना चाहूंगा। हाँ, बाकी देखिए सेफ ऑप्शन, बिल्कुल सेफ ऑप्शन आई निगरवानो रहेगा, लेकिन निगरवानो की आप लास्ट के कुछ मैचेस में देखिए, यहाँ पर लास्ट मैच में तो परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे पहले भाई बीच में देखिए कितना, तीन चार मैच मतलब कितनी एवरेज परफॉर्मेंस आई थी। ठीक है, तो ये सीन है भाई, बाकी हाँ फिर भी अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई किसी प्रकार का, बट अभी के लिए मैं डी वेंडेरा को अपनी टीम में एज ए वीसी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही भाई मतलब ऐसे प्लेयर है ये जो काम जब करते हैं ना तो बहुत अलग लेवल का करते हैं। अलग लेवल से मेरे कहने का क्या मतलब है, अलग लेवल से मतलब ये है मेरे भाई कि रेडिंग भी डिफेंस भी दोनों में चलते हैं ना, तो फिर ये टीम को भी जिताते हैं और खुद के पॉइंट्स बढ़ाते हैं, तो वो सीन है भाई। ठीक है, तो अभी के लिए आए ना आप इसी टीम को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल मानकर सेव कर लीजिएगा। और मैं बार बार यार एक ही चीज़ के लिए मतलब आपको बोलता रहता हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग यार, एक सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा, अब वीडियो एंड होने वाली है तो वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, बाकी टीम को सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, जो भी मेरी फुल एंड फाइनल अपडेट होगी ना वो आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। तो उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।